सागर जिले के शाहगढ़ में नेशनल हाईवे पर आग की लपटों के साथ एक घरेलू गैस सिलेंडर और गैस रिफिल मशीन पड़े होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। नेशनल हाईवे स्थित घटनास्थल पुरानी गौशाला के पास मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल आग को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन गैस सिलेंडर में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही थी और घटनास्थल पर पेड़ पौधों के अलावा मकान होने से आग को काबू करने फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची शाहगढ़ नगर परिषद की दमकल ने तत्काल आग को काबू में कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन में लोगों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर से गैस रिफिल की जा रही थी, तभी आग लगने की घटना हो गई। इसके बाद लोग घटनास्थल पर गैस सिलेंडर और रिफिल मशीन छोड़कर अपना वाहन लेकर भाग निकले। ये देख राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। मामले में शाहगढ़ थाना प्रभारी उमेश यादव ने जानकारी दी। जनता ने सूचना दी थी थाने में कि किसी घरेलू सेंटर में आग लग रही है। मौके पे जाके देखा, फायर बुला के उसको बुझवा दिया गया था। और सिलेंडर किसका है इसका पता किया जा रहा है। संभवतः किसी व्यक्ति ने आग लगने पर उसको बाहर डाल दिया था। सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज़।